विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 में डिसक्वालीफाई होने की खबर में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इंडियन ओलंपिक कमेटी की प्रमुख से बात की है और सरकार ने विनेश फोगाट की मदद के लिए कई कदम उठाए। विनेश फोगाट के फाइनल से डिसक्वालीफाई होने के बाद गीता फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक खास मैसेज लिखा। गीता ने दुख जताते हुए विनेश की प्रशंसा की और उन्हें हमारी गोल्डन गर्ल कहा। वह भी कहा कि जिंदगी एक संघर्ष है और उस संघर्ष का नाम विनेश है। गीता ने उनके प्रयासों को सलाम दिया और कहा कि वो इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बाहर नुवाकोट के शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद नेपाल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इससे पहले माह में भी एक हवाई दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली NCR में तेज बारिश शुरू हो गई है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दोपहर से बारिश हो रही है और लोग जलभराव के डर से घबराए हुए हैं। बता दें कि पिछली बार तेज बारिश के कारण कई इलाके पानी में डूब गए। आरक्षण के भीतर आरक्षण का रास्ता साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण के विभाजन को मंजूरी दी है। यह फैसले के बाद इस मुद्दे पर कई राज्यों ने अपनी अलग अलग स्थिति को समझाने के लिए अलग अलग कमीशन गठित किए। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की खिलाड़ी विनेश फोगाट ने महिला कुश्ती 50 किलोग्राम के लिए डिसक्वालीफाई हो गई है। उनका वजन अधिक होने के कारण उन्हें ये क्लास से बाहर कर दिया गया है। यह एक बड़ी सदमे की खबर है और भारतीय दल को झटका लगा है। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हराया। श्रीलंका 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। भारत आखिरी वनडे जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगा। अविष्का फर्नांडो ने 96 रन बनाए। श्रीदेवी ने रजनीकांत की मां का किरदार निभाया था जब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। दोनों ने 22 फिल्मों में साथ काम किया है, जिसमें 16 फिल्मों में वे एक दूसरे के अपोजिट कास्ट में दिखाई गयी। इसे रजनीकांत और श्रीदेवी की जोड़ी का एक यादगार पल कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक छोटा सा लड़का संतूर बजाता दिख रहा है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि यह बच्चा भारतीय संगीतकार पंडित शिवकुमार शर्मा का पोता नहीं है बल्कि ईरान के यूसुफ बेहतर। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजधानी ढाका छोड़ दिया है।